गाइज वेलकम टू माई चैनल रिव्यूज नेशन। आप सबको स्वागत है मेरे और एक नए ब्लॉग पे। आज तारीख है, कितना तारीख है भाई, आज 6 अक्टूबर, मतलब आज कल दशमी था, आज एकादशी है। हम आज कहाँ जा रहे हैं, विसर्जन देखने। हम आज भाभी, मैं और पाखी, छोटी भाभी अभी आ रहे हैं, उनके मायके गए थे खड़गपुर, वो ट्रेन में है, पता नहीं वो जाएंगे कि नहीं। बड़े भाभी बोले कि वो आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे आधा घंटे में, तो हम छोटे भाभी भी जाएंगे। तो अभी तक वो आए नहीं है, अभी तक कंफर्म नहीं है वो जाएंगे कि नहीं। तो अगर वो गए तो आप तो देख ही पाओगे, आँखी भी होगी ब्लॉग में, है ना। तो चलो आगे देखते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ, आप भी देखते रहो कैसे कहाँ जाते हैं, कहाँ कैसे क्या विसर्जन होता है। मैं आज फर्स्ट टाइम जाऊँगी विसर्जन में। पहले गई थी, मामा के घर गई थी, यहाँ पर कभी विसर्जन में मैं नहीं गई हूँ, मतलब बालेश्वर में। पहले मामा के घर जब छोटे के टाइम पे जाते थे तो मामा के घर विसर्जन होता था, तो वहाँ पर देखी थी मैं। यहाँ पर नहीं देखी हूँ, यहाँ पर फर्स्ट टाइम देखूँगी। चलो आप भी मेरे साथ देखो। अभी हम ऑटो से ही जाएंगे, ऑटो ही आए, ऑटो उस दिन जैसे ऑटो से गए थे वही ऑटो आई थिंक आएगा। वो हमारे पहचान में है तो हम जब भी फ़ोन कर देते हैं वो चले आते हैं, तो उसी ऑटो में हम जाते हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है क्योंकि पीछे माँ उस रूम में टीवी देख रहे हैं, तो मेरी बात सुनाई दे रही है कि नहीं पता नहीं, आई थिंक सुनाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिया तो आप ईयरफोन दे के सुन लेना। तो पाखी क्या बोल रही थी, पता नहीं, पर हम ऑटो से जाएंगे, कौन आएगा पता नहीं, वो भी आ सकते हैं और कोई भी आ सकता है, हम ऑटो से जाएंगे। तो चलो आप भी देख। नावल हम मामू घर गए थे, तो सभी को विजयादशमी का प्रीतिय शुभेच्छा, सबाई के विजयादशमी प्रीतिय शुभेच्छा, बोल विजयादशमी विजयादशमी प्रीतिय शुभेच्छा, प्रीतिय शुभेच्छा, छोटदेर ভালোবাসা, বড়দের প্রণাম, বড়দের প্রণাম জানাই জানাই, ঠিক আছে। রাই বিনোদিনী Thank you.
ব্লগ বানাচ্ছে সবাই তোকে বলবে পচামে স্মাইল কর একটুখানি নাহলে তোকে সবাই বলবে পচামে এদিকে থাকে এদিকে থাকে हे गाइस हम विसर्जन देखने के बाद डायरेक्ट हम खाने के लिए चले गए ताजेश्वर। तभी टाइम हुआ था 11 बज गया था क्योंकि छोटा भाई आते आते भाभी और छोटे भाई और भाभी आते आते बहुत लेट कर दिए थे क्योंकि वो उस दिन ही वापस आए ना खड़गपुर से मायके से, तो आते आते लेट हो गया। तो हम गए 11 बजे खाने के लिए मेन कोर्स में। हम स्टार्टर में कुछ नहीं लिए थे, मेन कोर्स में नान मसाला मशरूम गार्लिक चिकन देन चिली चिकन लिए थे, लास्ट में था को मसाला कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम। तो मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि मुझे बहुत जोर से कोल्ड हो गया था, कफ हो गया था मुझे एक्चुअली में, तो मैंने कुछ नहीं लिया। तो वो भाई भैया भाभी लोग खाए थे। तो उसके बाद हम खा पी के और वहाँ से एक गिफ्ट भी मिला आखी आप आखी को डिगू को एक गिफ्ट, वो लोग पता नहीं पजल जैसा कुछ था। तो